बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर इसे कोई भी फ़ायदा उठा सकते हैं, स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं कि जिनके जो समझते हैं कि इंग्लिश उनकी थोड़ी सी वीक है, तो ये बहुत ही आसान ज़ुबान में मैंने ये वीडियोज़ बनाई हैं और इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। जहाँ तक इस बुक का ताल्लुक है तो ये बुक आपकी pdfdrive.net और इसका लिंक आपको शेयर किया हुआ है नीचे, और उससे आपको वहाँ से ये बुक आपकी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाती है। बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें आपके तमाम के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप pdfdrive.net में जाएंगे और बेसिक इंग्लिश ग्रामर सैडल बैग लिखेंगे, वहाँ से ये बुक डाउनलोड आराम से हो जाएगी। अब अगले हम पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे इसके सारे पब्लिशर्स वगैरह के नाम हैं और क्रेडिट गोज़ टू दीज़, और इन्होंने ये इतनी अच्छी बुक फ्री में हमें प्रोवाइड की है। अब यहाँ से इसका स्पेशली इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो ये ग्रामर के बारे में है और इस बुक में क्या क्या चीज़ यूज़ की गई है, किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है। नाउ इफ़ वी लुक एट दिस बुक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर के बारे में आपको बताया गया है, व्हाट इज़ ग्रामर, कैपिटल लेटर्स कहाँ पे अपने यूज़ करने हैं, नाउन्स क्या हैं, प्रोनाउंस क्या हैं, एडजेक्टिव्स क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं, वर्ब्स एंड टेंसेस हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आमतौर पे इसमें मसाइल या मसले पैदा होते हैं, या व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, या जब आप बोल रहे होते हैं तो आमतौर पे जो मिस्टेक्स होती हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होती हैं। अब ये है क्या चीज़, ये तो उस टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल सिंपल आप ये समझ लें कि जैसे उर्दू में आप कहते हैं कि मैं जाता हूँ, अब ये जुमला ठीक है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मैं जाता हैं, वो गलत हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है, और वर्ब क्या है, वो एक्शन है। तो ये इन दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब यूज़ करना है। देन एडवर्ब्स हैं आपके, फिर प्रेपोजिशंस आ जाएंगे, कंजंक्शंस आ जाएंगे, इंटरजेक्शंस, और सेंटेंसेस के हवाले से आपको बताया गया जाएगा। और लास्ट वाला जो टॉपिक है दैट इज़ पंचुएशन। पंचुएशन आमतौर पे हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्पेशली जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ये वीडियो, तो वो ख़ास तौर पे इस चीज़ का एक ध्यान रखें कि पंचुएशन बहुत ज़्यादा काउंट होती है जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं। यानी प्रॉपर जगह पे आपको फुल स्टॉप हो, कामा हो, क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, तो वो क्यों लगता है ये आपको पता होना चाहिए, किस जगह पे लगाया जाता है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट, द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ ग्रामर। तो पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि ग्रामर के स्पेलिंग क्या हैं, GRAMMAR। ठीक है, कुछ इसमें भी एक जनरल मिस्टेक है कि यूजुअली ER लिखा जाता है, वो गलत है, और ये AR होता है। इधर आपकी ये पोइम बताई गई है, और बेहतर ये है कि जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, तो आप ये पोइम याद कर लें। ठीक है, एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग एज मैजिक वैंड or bridal ring. Most verbs mean action, something done, to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways, sentences, words or phrase and phrase. The interjection cries out, heed! An exclamation point must follow me. Okay, so this is the poem, the simple poem. तो मैं आपको थोड़ी सी इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उर्दू में जैसे आपके नाउन्स होते हैं, इसमें मार्फा है, इसमें नकरा है, इसमें फेल है, जो आपने बेसिक ग्रामर क्लास 6-7 में पढ़ी होगी, या क्लास 5 से भी आपने पढ़ी होगी, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले नाउन आ जाता है। आप चूँकि ये बेसिक ग्रामर कोर्स है, ऐसे से आसान आप ये समझें कि दुनिया का जो भी नाम है वो नाउन है। फ़िलहाल आप इतना जान लें, बाकी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे। प्रोनाउन क्या है कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ही और शी उसके एग्जाम्पल्स हैं। एडजेक्टिव, तो एक तो इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, डी इसमें साइलेंट है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है कि जो किसी सिफ्त को बयान करिए, जो किसी चीज़ के बारे में बयान करता है। लाइक यहाँ पे आप मैजिक वैंड लिखा हुआ है, तो मैजिक मीन जादू, जादू की छड़ी, या ब्राइडल रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वर्ब्स क्या हैं? वर्ब्स मीन एक्शन, ठीक है, जो काम आप कर रहे हैं, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, ये सारे आपके एक्शंस हैं। और एडवर्ब्स क्या हैं? जो हमें ये बताते हैं कि काम कैसे हुआ है। फिर प्रेपोजिशंस आ जाते हैं, तो प्रेपोजिशन आपके जैसे इन और एट, ये आपके प्रेपोजिशंस हैं। कंजंक्शंस आ जाते हैं, तो ये किसको जोड़ते हैं? सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेज़ एंड फ्रेज़ को जोड़ते हैं, यानी फ्रेज़ भी हो सकती है और दो फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं। अब फ्रेजेस क्या हैं, इतना बस याद रखना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन ये होता है कि जब आप किसी को, यानी अचानक अपने आपके जज्बात का इजहार, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे आप तस्वीर देखें, ये जो आपकी नज़र आ रही है, इंटरजेक्शन, यहाँ पे एक डॉग सा नज़र आ रहा है जो उसके साथ स्ट्राइक कर रहा है या हिट कर रहा है, तो एकदम उसका ही आवाज़ निकल रही है। तो इसी तरह अगर आप अचानक हमारे मुँह से कोई आवाज़ बगैर सोचे समझे निकलती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। और नेक्स्ट आपका जो इसमें यूज़ हो रहा है, और इंटरजेक्शन से आपने ये याद रखना है कि इसके आगे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको कहते हैं, ये आएगा। ठीक हो गया? ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपिटल लेटर्स और इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।